5 मिनट रेसिपी। कभी कभी अचानक से हमारा मन करता है चाट खाने का, ये सोचकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है, मेरे तो अभी से आ रहा है। फिर हम सोचते हैं आलू बॉयल करने पड़ेंगे और उतनी क्रिस्पी भी नहीं बन पाएगी जितनी मार्केट की होती है। तो यही सोचकर मैं आज आपके लिए एक डिश लाई हूँ जो कि बहुत कुरकुरी आलू टिक्की चाट है और जो कि आपको रेस्टोरेंट की तो याद बिल्कुल भुला ही देगी। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। कच्चे आलू की टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 7 आलू लिए हैं, जिसमें से कुछ बड़े हैं और कुछ मीडियम साइज के हैं। तो जब भी आलू को आप छीलें तो छील कर उनको पानी में रख दें, वरना वो काले पड़ जाते हैं। और इसमें इस तरह से मैं इनको कद्दूकस कर रही हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने इस तरह से आलूओं को कद्दूकस में कस लिया है और ये अच्छे से हमको इनसे 3 से 4 बार इनको अच्छे से इनको धोना है, ताकि इसमें जो भी स्टार्च है आलू में बहुत स्टार्च होता है तो वो निकल जाए। आलू को मैंने अच्छे से धोकर और इस तरह से चलनी में रख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक कपड़ा लिया मैंने, इसमें बेसिकली हमें इसको अच्छे से छानना है। इसमें जो भी पानी है वो हमें पूरा आलूओं का बाहर करना है। ये देखिए कितना इसमें से निचोड़ने से ऐसे पानी निकल रहा है। मैंने आलूओं को अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसको हम हल्का सा गैस पर सौते करेंगे। सौते क्या, बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए करना है, ताकि अब जो इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर या हल्का फुल्का पानी अभी भी रह गया होगा और वो अच्छे से इसका निकल जाए और ये आलू सूख जाए बिल्कुल। यहाँ पर हमने ये कढ़ाई को गर्म कर लिया है। 1 स्पून मैंने इसमें ऐसे ऑयल लगा दिया है। अब ये जो आलू हमारे पास हैं हम इनको इस तरह से इसमें डाल देंगे। ये टिक्की बनाने का बहुत ही आसान तरीका है इसमें, क्योंकि इसमें हमें आलूओं को बॉयल नहीं करना पड़ता। अचानक से ही कभी हमारा मन करे खाने का टिक्की, तो फिर हम इसको कुरकुरी मज़ेदार क्रिस्पी चाट को हम खा सकते हैं। अब ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और इस तरह से हमारे आलू बहुत हल्का सा, इसमें कोई रंग नहीं आया है, कुछ नहीं आया है, बस इनका जो पानी था वो सूख गया है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो कसा हुआ आलू थे बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। यहाँ पर मैंने 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 3 से 4 चम्मच चावल का आटा भी डाल रही हूँ, 2 स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और 1 स्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 स्पून मैंने इसमें गरम मसाला लिया है और इस सबको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर और आटा थोड़ा धीरे धीरे करके डालें आप, कम ऐसा ना हो एक साथ ही बहुत सारा डाल दें, तो उससे क्या होगा कि उसमें आटे का टेस्ट ज़्यादा आएगा कॉर्नफ्लोर और आटे का, आलू का टेस्ट बहुत कम आएगा। तो हमको आलू का टेस्ट चाहिए जिससे कि ये बहुत क्रिस्पी बने। थोड़ा सा मैं इसमें घी डालूँगी, 1 और ये 2 स्पून घी, और हल्का सा मैं अपने हाथों में भी घी लगाऊंगी। अब इन आलूओं से मैं इसकी एक टिक्की तैयार करूंगी इस तरह से। ऐसे हमको इनको मिला मिला के ऐसे हमें टिक्की बनानी है। अगर आपको लगे कि आपकी टिक्की नहीं बन पा रही है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और थोड़ा कॉर्नफ्लोर एक्स्ट्रा और डाल सकते हैं। और इस तरह से मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। यहाँ पर मैंने ये फ्राई पैन रख दिया है, 4 से 5 स्पून मैं ऑयल की डाल रही हूँ। टिक्की बनाते हुए ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है और जैसे ये घी गर्म हो रहा है टिक्की मैंने रख दी है। हमारी टिक्की नीचे से हल्की सी अभी ब्राउन हुई है, थोड़ी सी इनकी शेप गोल नहीं होती है, बट खाने में बहुत क्रिस्पी और कुरकुरी आपको लगेगी। इतनी कुरकुरी टिक्की बनकर ये तैयार है। अब हम इसकी चाट तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने चारों टिक्कियाँ प्लेट में ट्रांसफ़र कर ली हैं। थोड़ा ये दही है मेरे पास, ये गाढ़ा दही मैंने लिया है, हल्का सा मैंने इसमें पानी डालकर इसकी इतनी कंसिस्टेंसी रखी है। और एक बात और दोस्तों, जब भी आप चाट बनाते हैं तो दही में थोड़ी सी चीनी डाल लें या बूरा वगैरह कुछ भी, क्योंकि मार्केट में जो भी आपको दही मिलती है उसमें ये रेस्टोरेंट वाले भी इसमें मीठा डालते हैं। कुछ मेरे पास मीठी सौंठ है जिसको इमली की चटनी भी बोलते हैं। थोड़ी सी मैंने यमी सी मैंने चटनी बनाई थी धनिए की, ये भी मैंने इसमें डाल दी है। हल्का सा मैं काला नमक इस पर डाल रही हूँ। थोड़ा सा मेरे पास भुना हुआ जीरा है, ये भी मैंने डाल दिया इस पर। थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्का सा चाट मसाला है। थोड़ा सा मैं ऊपर से इस पर ये धनिया। तो देखिए दोस्तों कितनी हमारी कुरकुरी आलू की मज़ेदार चाट तैयार है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनती है। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।